कानपुर में मेट्रो के पहले कॉरिडोर का काम लगभग खत्म होने की कगार पर है, तो वहीं अब मेट्रो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन के निर्माण की ओर बढ़ गई है। कानपुर में मेट्रो जमीन के 21 मीटर नीचे चलेगी। आज नवीन मार्केट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के काम का शुभारंभ हुआ। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के MD कुमार केशव ने पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। चुन्नीगंज से नयागंज चौक 4 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का निर्माण होना है। दिसंबर में टनल बनाने वाली टनल बोरिंग मशीन से टनल बनाने का काम शुरू होगा। अभी इस मशीन को जमीन के अंदर ले जाने के लिए रास्ता बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। टनल बनाने के पहले मेट्रो स्टेशन के लिए डायफ्राम वॉल बनाने का काम शुरू हो गया है। तो वहीं यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के MD कुमार केशव ने कहा कि IIT से मोती झील तक मेट्रो का ट्रायल रन 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा और जनवरी से इसे यात्रियों के लिए खोले जाने की योजना है। देखिए, ये कानपुर मेट्रो का जो फर्स्ट कॉरिडोर है उसमें 7 अंडरग्राउंड स्टेशन है और हम लोगों ने जैसे मोती झील के बाद ये पोर्शन अंडरग्राउंड हो जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट नगर तक अंडरग्राउंड है। तो ये फर्स्ट जो ट्रांसपोर्ट नगर के वाला जो अंडरग्राउंड पोर्शन है उसके 4 स्टेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है जो टर्किश कंपनी है गुलेमार्ग, और आज उसमें एक स्टेशन हमारा यहाँ पर है नवीन मार्केट में, उसकी फर्स्ट डायफ्राम वॉल है। ये करीब 22 मीटर लंबा केज है, ऐसा पूरा स्टेशन का डायफ्राम वॉल बनेगा, फिर ये टॉप डाउन है, मतलब ऊपर बना के फिर हम नीचे नीचे जाएंगे ज़मीन के, इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन है। तो बड़ा डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन है आज इसको पहली बार हम शुरू कर रहे हैं, और आज उसका अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन का आप ये कह सकते हैं आज पहली बार ये वर्क फिजिकली ग्राउंड पर शुरू हुआ है। हम लोगों ने कास्टिंग यार्ड पहले सेटअप कर लिया, आज हम वहाँ भी अपना पहला सेगमेंट कास्ट करेंगे। तो अब आप देखेंगे अनदर 4 मंथ्स के बाद आपको यहाँ टनल बोरिंग मशीन लोअर होती नजर आएगी, जिसके थ्रू फिर टनलिंग स्टार्ट होगी। तो ये आज उस वर्क का शुभारंभ।